हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सदाब लक्की एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग इंस्टा प्रो 2 के 10.45 के सभी फीचर्स को देखने वाले हैं गाइस, ठीक है। सो गाइस सॉरी, थोड़ा सा वीडियोस बनाने में लेट हो गई, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग थोड़ा लेट वीडियो को बना रहे हैं। आज से काफ़ी टाइम पहले गाइस इंस्टा प्रो 2 वर्जन 10.45 का फीचर्स आ चुका था गाइस, अपडेट आ चुका था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उन्हीं का सभी फीचर्स को देखने वाले हैं, ठीक है। सो प्लीज़ यार, वीडियो को इन तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है। एंड इंस्टा प्रो 2 का जो लिंक है गाइस, वो मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। बट अभी मत चले जाओ, वहाँ पर पासवर्ड रिक्वायर्ड होती है, जो मैं अभी जस्ट आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, ठीक है। एंड जैसे ही आप लोग इंस्टा प्रो 2 को ओपन करोगे गाइस, ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगी, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आते हैं प्रोफाइल वाले सेक्शंस पे एंड यहाँ पे टैप करके हम लोग इंस्टा प्रो 2 सेटिंग्स पे चले जाते हैं। जैसे आते हो, जैसे देख सकते हो गाइस, ये हमारा 10.45 है, ठीक है। तो इनका सबसे पहले हम लोग वन बाय वन करके सभी फीचर्स को देख लेते हैं, देन हम लोग इसके राउंड एज स्टोरीज वगैरह को भी देख लेंगे गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो फीचर्स शुरू होता है, यहाँ प्राइवेसी से हमारा फीचर्स शुरू होता है गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप लोग प्राइवेसी पे टैप करते हो, यहाँ पे गाइस वही सारा ऑप्शंस आपको मिल जाता है। आई होप आपको पता ही होगा, जैसे कि आप लोग अगर इसे ऑन कर देते हो तो अगर आप लोग किसी का स्टोरी वगैरह वॉच कर लेते हो तो उसे पता नहीं चलेगा। देन उसी तरीके से किसी का मैसेजेस को भी रीड कर लेते हो तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा। देन उसी तरीके से लाइव स्ट्रीमिंग को भी अगर ज्वाइन करते हो तो सामने वाले को पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा गाइस, ठीक है। उसी तरीके से हाइड टाइपिंग स्टेटस को हाइड कर सकते हो चैट के दौरान, अगर पता चल जाता आपका टाइपिंग स्टेटस तो अब इसे इनेबल करते हो तो वो आपका ऑफ हो जाएगा। ये गाइस रिपीटेड फीचर्स है जो गाइस आपको हर मोड में अप्रोक्स देखने को मिल जाता है गाइस, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे एंटी स्किन शॉट है, इसे भी इनेबल आप लोग कर दीजिएगा। एंड उसके बाद एंटी इमेजेस रिप्लाई, ठीक है। अगर कोई आपको इमेजेस वगैरह चैट पे भेजा है, ठीक है, अगर आप लोग उसके इमेजेस को देख लेते हो, ठीक है, दोबारा, तो उसे पता नहीं चलेगा गाइस, ठीक है। उसी तरीके से आप लोग किसी का वॉइस मैसेज को भी सीन मतलब लिसन हो जाते हो, सुन लेते हो, तो उसे पता नहीं चलेगा गाइस कि आप उसके वॉइस मैसेजेस को सुन लियो गाइस, ठीक है। तो ये वॉइस वाला जो मैसेज है गाइस, ये हर एप्लीकेशन में नहीं देखने को मिलता है इसमें, बट आपको इंस्टा प्रो 2 में देखने को मिल रहा है गाइस, ठीक है। तो ये हमारा फीचर्स देखने को मिला प्राइवेसी में, ठीक है। उसके नीचे गाइस इन्हेंसमेंट, सिर्फ आपको उस पर टैप करोगे तो यहाँ पे गाइस सभी चीज़ की क्वालिटीज को आप लोग इम्प्रूव कर सकते हो, चाहे वो फोटो की क्वालिटी हो या फिर रील्स की क्वालिटी हो या IGTV क्वालिटी या फिर लेआउट वगैरह चेंज कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस आप लोग अपने स्टोरी को इंक्रीज मतलब हाई क्वालिटी के स्टोरीज को लगा सकते हो गाइस अपने स्टोरी पे, यहाँ लास्ट वाले को इनेबल करके, ठीक है। ठीक उसी तरीके से गाइस आप लोग फोटो सबको मैक्सिमम क्वालिटी इसमें अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इन्हांसमेंट में जो भी था गाइस मैंने आपको बता दिया। एंड जैसे आप लोग यहाँ से बैक होते हो तो फीड एंड स्टोरीज का एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको बेसिकली गाइस दो फीचर्स देखने को मिलता है। सबसे पहला फीचर्स यहाँ पे आपको मिलेगा कि किसी भी स्टोरीज के गाइस साउंड के साथ अगर आप प्ले करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस मिल जाता है प्ले स्टोरी डायरेक्टली विद साउंड, ठीक है। ठीक उसी तरीके से पोस्ट के साथ होगा गाइस, कोई भी रील्स अगर वीडियो वगैरह अगर आप लोग चाह रहे हो कि जैसे आप लोग इंस्टा प्रो ओपन करोगे तो वो साउंड के साथ ऑटोमेटिक प्ले हो जाता है, अदरवाइज नहीं तो आपको वॉल्यूम बटन प्रेस करना होता है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो प्ले हो तो इन सभी फीचर्स को अपने अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन और है गाइस डिसेबल ऑटो स्किप, ठीक है। स्टोरीज जो इसकी स्टोरीज गाइस वन बाय वन करके ऑटो ऑटो करके चलने लगता है गाइस, अगर आप लोग इसे इनेबल कर देते हो तो ऑटो स्किप होना बंद होगा, यानी अगर आप लोग जब तक स्किप नहीं करोगे आपका स्टोरी चेंज नहीं होगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग आप लोग मतलब यूज कर सकते हो फीचर्स का, ठीक है। एंड उसके बाद जैसे हम लोग फीड एंड स्टोरीज का देख लेते हैं, उसके बाद स्पेशल फीचर्स है यहाँ पे बेसिकली गाइस आप लोग एड वगैरह को ऑफ कर सकते हो, ठीक है। जो भी स्पॉन्सर एड वगैरह आता है उसको ऑफ कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद रिकमेंडेड फ्रेंड जो करता है उसको ऑफ कर सकते हो। देन उसके बाद डिसेबल स्टोरी, अगर आप लोग पहला वाला को इनेबल कर देते हो तो आपके स्क्रीन पे कोई भी होम स्क्रीन पे गाइस कोई भी स्टोरी शो नहीं होगा, सारा का सारा स्टोरी डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐड अनलिमिटेड अकाउंट ऐड कर सकते हो गाइस अपने इसी इंस्टा प्रो 2 में, ठीक है। कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आप लोग 10 अकाउंट ही यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी नॉर्मल इंस्टाग्राम पे गाइस लिमिटेशंस होता है कि एक इंस्टा में गाइस आप लोग 10 अकाउंट को ही ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है इसमें कि आप लोग अनलिमिटेड अकाउंट को ऐड कर सकते हो, ठीक है। देन हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद स्पेशल फीचर्स भी देख लिया। UI गेसेस में आप लोग गाइस डबल टैप पे लाइक कर सकते हो, लॉन्ग प्रेस करके अगर आप रखोगे तो कोई भी फोटोज वगैरह जूम हो जाएगा। उसके बाद गाइस ट्रिपल टैप पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। एंड लास्ट में गाइस इनेबल फास्ट फॉरवर्डिंग, इसको भी आप लोग इनेबल कर सकते हो, ठीक है। एंड जैसे आप लोग यहां से बैक चलते हो तो डाउनलोड सेटिंग्स पे आपको कुछ नहीं मिलता है, बट ऐप लॉक में गाइस आप लोग क्या कर सकते हो कि ऐप लॉक वगैरह लगा सकते हो, यानी पिन वगैरह सेट कर सकते हो इंस्टा प्रो 2 में। कोई भी इंटर करने से पहले गाइस वहां पे आप लोग पिन वगैरह लगा सकते हो जैसे नॉर्मली ऐप लॉक लगाते हो, ठीक है। एंड उसके बाद डाउनलोड सेटिंग्स में भी आपको कोई भी चीज देखने को नहीं मिलता। उसके बाद यहां पे सबसे लास्ट में है गाइस मिसलेनियस, जैसे आप उस पर टैप करते हो तो यहाँ पे बहुत सारा फीचर्स आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज ध्यान से देखिएगा,
सबसे पहला है गाइस ऐप आइकॉन। यहाँ पे ऐप आइकॉन में गाइस आपको काफी सारा ऐप आइकॉन मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग ऐप छुपा भी सकते हो आइकॉन चेंज करके, गाइस देख सकते हो काफी सारा आइकॉन्स आपको यहाँ दिख जाता है। तो यहाँ पे टोटल 16 आइकॉन्स है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हो गाइस, ठीक है। देन उसके बाद है गाइस फॉन्ट्स वगैरह भी काफी सारा आपको देखने को मिल जाता है, जो कि इंस्टा प्रो का खुद का फॉन्ट्स है गाइस, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से फॉन्ट्स वगैरह भी यूज कर सकते हो आप गाइस, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे थीम वगैरह को चेंज कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के काफी सारा मल्टीपल्स आपको यहाँ पे थीम देखने को मिलता है, तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग यहां पे थीम वगैरह भी यूज कर सकते हो गाइस, ठीक है। एंड देन उसके बाद गाइस इस एप्लीकेशंस को आप लोग यहां ब्राउजर पे भी ओपन कर सकते हो डायरेक्टली गाइस, ठीक है, यहां पे देख सकते हो। एंड उसके बाद फॉलो यू मार्क्स सो हाइड, यानी कौन आपको फॉलो कर रहा नहीं कर रहा, जैसे आप उनके प्रोफाइल में जाते हो तो आपको तुरंत पता चल जाएगा गाइस, वहां पे दिखा देगा कि फॉलो यू नॉट फॉलोइंग यू, ठीक है, तो वो आपको शो हो जाता है उसके प्रोफाइल में जाने से, ठीक है। उसके बाद शो आइकॉन थीम वगैरह जो होता है वो आपको होम स्क्रीन पे जो दिख जाता है गाइस, वो यहीं पे इसी फीचर्स को इनेबल करने की वजह से, ठीक है। उसके बाद हाइड कॉपी बटन जो होता है आपका कमेंट में, वो आप लोग हाइड वगैरह कर सकते हो यहाँ से इसको इनेबल करने से गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी चीज होता है हम लोगों ने देख लिया गाइस, ठीक है। मिसलेनियस पे टैप कर लिया। एंड अपडेट वगैरह में भी आप लोग चेक कर सकते हो कि आप लोग कौन सा अपडेट लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट कोई नहीं, जब भी अपडेट आता है तो आपका भाई आपके लिए वीडियो बना देता है गाइस, तो इसके लिए आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी फीचर्स था मैंने इसके अंदर का फीचर्स वो मैंने आपको बता दिया गाइस। एंड अब चलते हैं आप लोग को मैं रील्स को स्टोरी पे लेके जाता हूँ, एंड वहाँ पे दिखाता हूँ कि हमारा राउंड एज स्टोरी लगता है या नहीं लगता है, ठीक है। तो सिंपली आपको रील्स वाले सेक्शंस पे आ जाना है गाइस, ठीक है। एंड यहाँ से कोई से भी एक रील्स को आपको क्या करना है कि अपने स्टोरी पे लेके चले जाना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं इसी रील्स को अपने स्टोरी पे लेके चले जाते हैं गाइस, ठीक है। वहां पे जाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हमारा राउंड एज लगा या नहीं लगा गाइस, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो रील्स हमारा स्टोरी पे आ चुका है। एंड उसके बाद अगर आपका रील 60 सेकंड से ज्यादा होगा गाइस, तो वो ऑटोमेटिक 60 सेकंड स्टोरी जो है वो आपका इनेबल हो जाता है, उसके लिए आप लोग टेंशन मत लो। जैसे कि देख सकते हो ये रील्स हमारा अगर 60 सेकंड से ज्यादा रहेगा या नहीं भी रहेगा, तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम रील्स को अपने स्टोरी पे अगर लेके आओगे तो वो 60 सेकंड ऑटोमेटिक आपका इनेबल हो जाता है गाइस, ठीक है। तो सिंपली आपको यहां पे ओके कर देना। एंड जैसे ही देख सकते हो हमारा टाइमर तो आ गया, बट गाइस हमारा राउंड एज स्टोरी नहीं लगा, एंड लगेगा भी नहीं गाइस, क्योंकि ये ऑफिशियली इंस्टाग्राम की तरफ से ही गाइस जो भी हमारा क्विक एक्सपेरिमेंट सेटिंग में जाके इनेबल करते थे वो ऑप्शंस को रिमूव कर दिया गया। बट आप लोग लगा सकते हो राउंड एज, बट उसके लिए आपको क्या करना होगा गाइस कि ये पीएनजीस को ऐड करना होगा इसमें, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में काफी सारा पीएनजीस आपको दे दिया हूं, प्लीज वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। एंड जो भी पीएनजीस का पासवर्ड होगा अभी मैं आप लोगों को जस्ट बता दूंगा, एंड दोनों का सेम पासवर्ड होगा, एपीके का भी एंड पीएनजीस का भी, ठीक है। बट सबसे पहले चलते हैं हम लोग पीएनजीस को ऐड करके यहां पे आप लोगों को मैं दिखा देता हूं। तो सबसे पहले स्टिकर वाले पे टैप करके गाइस यहां पीएनजीस को हम लोग ऐड कर लेते हैं। जैसे कि देख सकते हो यहां पे पीएनजीस को हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। एंड लेने के बाद देख सकते हो पीएनजीस को हम लोगों ने ऐड भी कर लिया। ऐड करने के बाद देख सकते हो यहां परफेक्ट राउंड एज की तरह स्टोरी लग रहा है हमारा गाइस, यहां पे आपके सामने में देख सकते हो, ठीक है। बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि आप लोग पीएनजीस को ऐड किए हो, ठीक है। मैं काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पीएनजीस दे दिया हूं गाइस, जिससे कि आप लोग अपने रील्स के अकॉर्डिंग गाइस लगा सकते हो, ठीक है। कि अपने रील्स के मतलब अगर आप लोग कोई भी रील्स को शेयर करते हो तो वह बैकग्राउंड वगैरह आता है, ठीक है। तो जिस टाइप का बैकग्राउंड रहेगा उसी टाइप का आप लोग पीएनजीज को ऐड कर लेना, तो डेफिनेटली गाइस पता नहीं चलता, ठीक है। एंड अब बात कर लेते हैं पासवर्ड का। तो गाइस आपको जस्ट अभी स्क्रीन पे नीचे पासवर्ड दिख रहा होगा, तो प्लीज आप लोग इसी पासवर्ड को जाकर के दोनों में सेम पासवर्ड डालिए, ठीक है। इंस्टा प्रो 2 में भी एंड उसके बाद पीएनजीज में भी सेम पासवर्ड डालिए, जस्ट आपको पासवर्ड नीचे दिख रहा होगा गाइस, ठीक है। तो जाइए डाउनलोड कीजिए, एंड इसी तरीके से गाइस आप लोग फीचर्स का भी इस्तेमाल कीजिए, इस तरह से आप लोग राउंड एज स्टोरी भी लगा सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा आईएएस फॉन्ट्स एंड इमोजीज के बारे में, ठीक है। तो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस।